गोविंदे हरे गोपाल हरे बहु दीन दयाल हरे राधे 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 जय श्री राम 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 राधे राधे जय श्री राम राधे 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 जय श्री राम राधे राधे जय श्री राम जय श्री राम Divine Life from Sri Yamuna Maiya. आज हम सब मिलकर क्या करेंगे? यमुना मैया में स्नान करेंगे और यमुना मैया के दर्शन करेंगे, साथ के साथ सब मिलकर यमुना मैया में दीपदान करेंगे। एंड तक जुड़े रहिएगा। आज मैं आपको यमुना मैया के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ आपने शायद कभी सुनी नहीं होगी। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, मैं फ्रंट कैमरा ले लूँ क्या? एक बार मेरे को फ्रंट कैमरा दीजिए। आज एक मिनट महाराज जी, एक मिनट। आपने इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहना है क्योंकि यमुना मैया के बारे में ऐसी ऐसी महिमा, ऐसी ऐसी कथाएं मैं आपको बताने वाला हूं। अगली बार जब भी आप वृंदावन आएंगे आपको यमुना मैया से इतना प्रेम हो जाएगा। कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, गंगा भी यमुना मैया की क्या करती है, महिमा गाती है। उन्होंने भी यमुना मैया से प्रार्थना करी कि प्लीज़ आप कृष्ण जी से बोलो ना कि वो मेरे भी जल में स्नान करें, क्योंकि गंगा में कभी भगवान स्नान नहीं करते हैं। यमुना जी ने सबसे पहले ठाकुर जी का अभिषेक किया जब वो मथुरा से यहाँ पर गोकुल लेके आए जा रहे थे। यमुना मैया ने सबसे पहले ठाकुर जी के चरण के अभिषेक करे। यमुना मैया का अर्थ क्या है? यम का मतलब होता है यमराज और ना का मतलब होता है नहीं। मेरे पीछे है अत्यंत पवित्र पावन श्री यमुना मैया की जय। सभी कमेंट करें श्री यमुना मैया की जय हो। यमुना का अर्थ क्या है? यम का अर्थ होता है यमराज और ना। ओके आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई इतने बड़े बड़े टावर्स तो लगे नहीं हुए। तो मैं ये कह रहा था आपको, जो भी कोई यमुना मैया का एक बार भी नाम ले लेता है, यम का मतलब यमराज और ना का मतलब कभी भी नहीं उसको यमराज के दर्शन होते हैं। यमुना मैया सूर्य देव की क्या है? पुत्री है। और साथ के साथ उनकी यमराज जी की वो क्या है? बहन है। तो रक्षाबंधन पे बहन क्या करती है? वो अपने भाई के हाथ पे राखी बांधती है। तो यमुना मैया ने देखो कितना सुंदर दर्शन हो रहे हैं। मेरे पीछे यमुना मैया है, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें आपको बताऊंगा। यमुना मैया ने अपने भाई यमराज जी से ये रक्षाबंधन के दिन गिफ्ट मांगा कि हे भैया, जो कोई मेरे जल में एक बार भी स्नान कर ले, आचमन कर ले, पूजा कर ले, कभी भी आपने उनको तंग नहीं करना है, कभी भी नहीं। देखिए यमुना मैया साक्षात गोविंद की, श्री कृष्ण की क्या है? वो पटरानी है। वो भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी भी हैं। श्री कृष्ण की सबसे ज़्यादा लीलाएँ अभी हम क्या करेंगे, नौका में बैठेंगे, मैं बोट में बैठूंगा। मैं देख पा रहा हूँ कुछ भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। आपको तो पता ही है जीकेडी के बारे में, अपना मृदंग साथ में लेके चलता है, तो हम खूब सारा कीर्तन भी करेंगे। अभी बोट में बैठूंगा, हम क्या करेंगे, एक बोट राइड करेंगे, आपको यमुना जी के दर्शन कराऊंगा मैं, बहुत सुंदर सुंदर दर्शन आपको कराऊंगा। एक मिनट रुको, ऐसे यमुना मैया के दर्शन करते करते हम केशी घाट जाएंगे और वहाँ पर दीपदान करेंगे और फिर मैं स्नान करूँगा। जुड़े रहिएगा, एंड तक जाना मत, इतने सुंदर सुंदर भजन और कीर्तन सुनने को आपको मिलेंगे। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था, यमुना मैया में ही श्री ठाकुर जी ने, गोविंद ने, कृष्ण ने, केशव ने, माधव ने सबसे ज़्यादा लीलाएँ करी हैं। भगवान की कालिया नाग की लीला यमुना में हुई। भगवान श्री कृष्ण की नौका विहार लीला, आप नौका देख पा रहे हो, वो भी यमुना मैया में हुई। भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म विमोहन लीला, वो भी यमुना जी के तट पर ही हुई थी।
भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले रासलीला वो भी यमुना मैया के तट पर ही हुई थी। भगवान श्री कृष्ण होली खेलते हैं आके यमुना में। यमुना मैया ने सबसे पहले श्री ठाकुर जी के चरण को अभिषेक किया था जब छोटे से लालन क्या कर रहे थे, वसुदेव जी उनको मथुरा लेके जा रहे थे। तो ये जो जल है ये कोई मामूली जल नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया हुआ जल है। इसलिए भक्त लोग तड़पते हैं इसका आचमन करने के लिए, इसमें स्नान करने के लिए, यमुना मैया का दर्शन करने के लिए। शास्त्र कहते हैं अगर आप प्रेम से एक बार यमुना मैया को देख लो ना, सिर्फ प्रेम से यमुना मैया को देखने से आपको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। ऐसी अनेक अनेक रोचक कथाएं लीलाएं मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आइए ब्रिज का आनंद लो। असली ब्रिज का आनंद है प्रेम से कीर्तन करना। मैं बोट में जा रहा हूँ, बैठ कर कीर्तन करेंगे, भजन गाएंगे, यमुना जी की सैर करेंगे और केशी घाट जाएंगे, वहाँ पर मिलकर सब मिलकर आचमन करेंगे। यमुना मैया का आचमन करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं गंगा का स्नान और गंगा का स्नान और यमुना का पान। आपने क्या करना है, हमने यमुना मैया का आचमन करना है और गंगा जी में स्नान करना चाहते हैं हम, ऐसे मान्यता है। मैं आपको फिर से बता दूं, जो लोग अभी जुड़े हैं, स्वयं गंगा मैया भी यमुना मैया की क्या करती हैं, महिमा गाती हैं, स्तुतियां गाती हैं, क्योंकि गंगा में भगवान ने लीलाएं नहीं करी हैं, यमुना में बहुत सारी लीलाएं करी हैं। तो उन्होंने एक बार क्या किया, गंगा मैया ने यमुना मैया से प्रार्थना करी कि प्लीज़ आप ठाकुर जी से निवेदन करो ना कि वो मेरे में भी क्या करें, थोड़ा सा स्नान करें। तो यमुना मैया की अर्जी पे, यमुना मैया की रिक्वेस्ट पे श्री कृष्ण क्या करते हैं, मानसी गंगा को प्रकट करते हैं, अपने मन में गंगा जी को बुलाते हैं और फिर उसमें स्नान करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है 100 गंगा स्नान करें आप, लेकिन एक बार यमुना जी में स्नान कर लें वो बराबर है। यमुना जी का एक स्नान गंगा जी के 100 स्नान के बराबर है। अब चलिए भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं साथ में मिलकर, लास्ट में गंगे चे यमुने चे है ना, नर्मदा सरस्वती आचमन करूँगा, जुड़े रहना। थोड़ा सा कीर्तन करते हैं सब मिलकर पहले। हरि बोल, राधे राधे, जय जय, यस ऑफ कोर्स। चलो भैया हमें भी बुलावा आ गया कीर्तन के लिए, बैठ के कीर्तन करेंगे। कहीं नहीं जाना, दर्शन करो यमुना मैया के और केशी घाट चलेंगे सब मिलकर। फूल लो फिर माता जी आएंगे बुलाने। मन अपना हृदय श्री यमुना मैया के चरणों में डालें। यमुना मैया की कृपा के कारण आप वृंदावन में, जब तक यमुना मैया की आपकी कृपा नहीं हो आप वृंदावन की असली महिमा को नहीं पहचान सकते।
Yeah.
बोलो, ताली बजाकर सभी यमुना मैया के दर्शन करते हुए श्री ब्रज धाम से यह आनंद लेते हुए प्रेम से हरि नाम कीर्तन गाते हुए। केशी असुर नाम का असुर, जो केशी है, जो घोड़े के रूप में आया था, उसका वध किया था। यहीं पर केशी घाट हर शाम को आरती होती है यमुना मैया की। यमुना मैया श्री कृष्ण की ठकुराइन है, उनकी पटरानी है। यमुना मैया की कृपा के बिना कोई भी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता, वास नहीं कर सकता। आइए मिलकर कीर्तन। बोलिए, सभी बोलिए यमुना मैया की जय। प्रेस दोज हार्ट्स। बैठे बैठे यमुना जी से आपको कीर्तन और यमुना जी के दर्शन हो रहे हैं। अभी सभी मिलकर यमुना स्नान भी करेंगे। अरे डुबकी मारूंगा भैया। ये कृष्ण शरणम माता जी।
रामो हरे रामो 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 हरे 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 कृष्ण बहुत सुंदर। तो ये थी हमारे बीच में गोपी प्रिया माँ माता जी, बहुत प्यारा कीर्तन करती हैं। जरा सभी ताली बजाइएगा गोपी प्रिया माता जी के लिए। हरी हरी बोल। राइट, ओके। माता जी नेम इज फर्स्ट माता जी विल से अच्छा हाँ
एलियोना, राइट। अब हमारे बीच में है एलियोना माताजी। माताजी इज फ्रॉम रशिया, रशिया से हैं माताजी। हारसो, हारसो, हारसो का मतलब कैसे हैं आप? चलिए अब माताजी हमारे लिए कीर्तन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जितने भी भक्त मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपका दास गोविंद कृष्णदास #GKD इस समय श्री यमुना मैया जी का क्या कर रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, आप सभी को दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रीमती राधा रानी, जब तक किशोरी जी प्रसन्न नहीं होती हैं तब तक हमें कृष्ण मिलते नहीं हैं, ठीक है ली? ठीक है जी। लेकिन श्रीमती राधा रानी को देने वाली कौन है हमें? वो श्रीमती राधा रानी है। वृषभानु जी रावल में जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे थे, स्नान करने के लिए गए थे, यमुना मैया के अंदर ही उनको क्या मिली थी? एक लोटस पेटल, एक लोटस फ्लावर के बीच में किशोरी जी नन्ही सी प्यारी सी मिली थी। राधा रानी मिली हमें यमुना मैया में। श्रीमद् भागवतम भी गंगा जी के तट पर नहीं सुनाई गई, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में, और जीव गोस्वामी जी ने भी इसकी टिप्पणी दी है कि वास्तव में परीक्षित जी जो हैं वो तो हस्तिनापुर के राजा हैं और हस्तिनापुर में यमुना जी बहती है। तो आपकी जो भागवतम है वो भी हमें यमुना जी के तट पर मिली। कृष्ण ने अपनी ज़्यादातर लीलाएँ ठाकुर जी ने, भगवान ने यमुना जी के तट पर ही करी। कालिया नाग की लीला, ब्रह्म विमोहन की लीला, नौका विहार की लीला, अभी हम नौका विहार कर रहे हैं, ठीक है, हम कीर्तन कर रहे हैं नौका विहार की लीला। सबसे पहली रासलीला भी यमुना जी के तट पर हुई थी। और मैं बता रहा था यमुना का अर्थ है यम मीन्स यमराज एंड ना मीन्स नो, सो हुएवर टेक्स दर्शन ऑफ यमुना मैया कभी भी उसको यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। श्री वृंदावन धाम, यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण के बाएँ हाथ से प्रकट हुई हैं, और श्री कृष्ण की क्या है, वो पटरानी है। शी इज़ द फोर्थ वाइफ ऑफ श्री कृष्णा। तो अगर हमें कृष्ण को प्राप्त करना है हमें सबसे पहले श्री यमुना मैया की क्या लेनी पड़ेगी, कृपा लेनी पड़ेगी, जो मैं ले रहा हूँ। अभी हम वापस जा रहे हैं, वापस जाकर हम दीप दान करेंगे और मैं स्नान करूँगा, एक मंत्र का उच्चारण करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यमुना जी का स्नान करते हुए। अगर आपने उसको देख लिया, आपकी तरफ से भी मैं स्नान का मंत्र का उच्चारण करूँगा, तो जुड़े रहिएगा, थोड़ा सा और कीर्तन करते हैं। हरी बोल, राइट।
Thank you.
कृष्ण शरणम नाथ जी। वेरी नाइस। Hare Krishna।
श्याम वन मोर टाइम जय गौरानी ताई कृष्णा बालारा ललिता विशाखा जय ये पहली बार सुना है जय गौरानी ताई कृष्णा बालारा ललिता विशाखा जय राधे जय जय श्री राधे। सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा एहसास हो रहा है आपको बैठे बैठे श्री वृंदावन धाम के आपको दर्शन हो रहे हैं। यमुना मैया बिल्कुल आपके पीछे हैं, मोटा भाई भी दिख गए हमारे। यमुना मैया के दर्शन आप कर पा रहे हैं, चारों तरफ यमुना मैया है। श्रीला प्रभुपाद जी की बेटियाँ, प्रभुपाद्स डॉटर्स आर डूइंग कीर्तन सो स्वीटली। अब मेरा नंबर लग गया है, थोड़ी देर के लिए मैं कीर्तन कराऊंगा, उसके बाद माता जी कराएंगे। जय जय राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन और कुरुक्षेत्र धाम। ओके हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
क्या आनंद आ रहा है आप सभी को जो इस भजन संध्या में, इस कीर्तन में आनंद ले रहे हैं, उन दिल को टैप करके, टैप दोस हार्ट्स गाइस, एंड लेट मी नो इफ यू आर रिलिशिंग दिस संकीर्तन फ्रॉम श्री वृंदावन धाम, फ्रॉम श्री यमुना मैया। कितना आनंद आ रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है। मंद मंद हवा चल रही है, यमुना जी की सैर हो रही है, केशी घाट का तट है। यमुना मैया में श्री कृष्ण ने अपनी सबसे ज़्यादा लीलाएं की हैं। सबसे पहले यमुना मैया ने ही ठाकुर जी के चरण को स्पर्श किए, जब वसुदेव जी इनको क्या लेके जा रहे थे, मथुरा से गोकुल लेके जा रहे थे, तो यमुना मैया क्या करा उन्होंने, यमुना मैया ने अपने पानी को, उसके भाप को ऊपर ले आई ताकि वो ठाकुर जी के चरणों को छू सके। तो इस पानी ने, यमुना मैया के जल ने ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श किया है, कितना दिव्य है। भगवान की लीलाओं में भाग लेना इतना आसान नहीं है। यमुना मैया में तो ज़्यादातर लीलाएं ठाकुर जी ने अपनी करी हैं, यमुना मैया का तो जल है। मैं पहले भी बता रहा था कि साक्षात गंगा मैया भी यमुना मैया की स्तुतियाँ गाती हैं। 100 बार आप गंगा जी का स्नान करो और 1 बार आप यमुना मैया का स्नान करो, वो बराबर है। ये मैंने पहले एक बताया था, पीछे आप दर्शन कर सकते हो मेरे, वो है केशी घाट, बहुत ही सुंदर, परिक्रमा मार्ग में आता है केशी घाट। यहाँ पर ठाकुर जी ने कंस के द्वारा भेजा गया एक असुर जिसका नाम था केशी, जो घोड़े के रूप में आया था, भगवान ने एक मुक्का मार के उसका वध किया। कहा जाता है केशव नाम भी श्री कृष्ण को केशी नाम के राक्षस को मारने से मिला था। केशी जब आया था ना, उसका जो सर था वो आकाश को छू रहा था, तो इसी स्थान पर यमुना जी के तट पर कन्हैया ने केशी का वध किया था, इसलिए इसको केशी घाट कहा जाता है। थोड़ा सा और अभी कीर्तन का आनंद लेंगे, उसके बाद मैं स्नान करूँगा, यमुना मैया का स्नान करूँगा, आचमन करूँगा। आप सभी की ओर से प्रार्थनाएँ करूँगा, यमुना मैया से प्रार्थना है कि हम सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करें। श्री ठाकुर जी के बाएं हाथ से प्रकट हुई हैं यमुना मैया। ऐसा भी कहते हैं संत कि श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को कुछ समय के लिए जैसे छोड़ा, वृंदावन से चले गए मथुरा, फिर द्वारका, फिर कुरुक्षेत्र, लेकिन यमुना मैया को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जब वो मथुरा गए वहाँ पर भी यमुना जी थी, हस्तिनापुर गए थे दिल्ली, वहाँ पर भी यमुना थी। यमुना श्रीमती श्री कृष्ण की पटरानी है, शी इज़ द 4th वाइफ ऑफ श्री कृष्ण। उन्होंने बहुत तपस्या करी है कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। खांडीर वन में उन्होंने तपस्या की थी, अर्जुन जी वहाँ से निकल रहे थे, कुरुक्षेत्र से हम, अर्जुन जी वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री है, वो तपस्या कर रही है। उन्होंने पूछा, आपको, आप किस लिए तपस्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि मुझे कृष्ण से विवाह करना है, श्री कृष्ण से विवाह करना है, इसलिए मैं कई सालों से तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जी गए और द्वारकाधीश से ये बात बताई, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कालिंदी से, जो यमुना जी का एक नाम है, उनसे विवाह किया और उनको द्वारका में लेकर आए। तो ये यमुना मैया जिसमें कालिया नाग की लीला हुई है, ब्रह्म विमोहन की लीला तट पे इस पे हुई है, नौका विहार ठाकुर जी इसी यमुना मैया में करते हैं, अनेकों अनेक लीलाएँ यमुना मैया में हुई हैं। सबसे ज़्यादा श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर इमली तट है, यमुना जी के तट पर आकर पूरा दिन बैठे रहते थे, संकीर्तन करते रहते थे, ठाकुर जी का स्मरण करते रहते थे। इसलिए इस समय हम, मैं क्या कर रहा हूँ, यमुना जी का दर्शन करते हुए, नौका विहार करते हुए संकीर्तन कर रहा हूँ। केशी घाट जाऊँगा अब, भैया अब नेक केशी घाट ले लीजिए आप, वहीं पर थोड़ा सा दीपदान करेंगे हम आप सभी की ओर से, और उसके बाद मैं स्नान भी करूंगा, डुबकी भी लगाऊंगा। जो भक्त मेरे को पहली बार सुन रहे हैं अभी जुड़े हैं, एक मंत्र गाऊंगा आपकी ओर से, आप सभी के परिवार की ओर से, आप सभी के यू नो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की ओर से। इस मंत्र को गाने से, जपने से आपके सभी तीर्थ के दर्शन,
सभी पवित्र नदियों का स्नान, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सबके स्नान हो जाएंगे केवल अगर आप यमुना जी को देख लेते हो। शास्त्र ऐसे भी कहते हैं यमुना जी को आपको तो यमुना जी में स्नान करने की भी जरूरत नहीं है, एक बार आप सिर्फ यमुना जी को देख लो ना, देखने मात्र से यमुना मैया आपके सारे पाप को नष्ट कर सकती हैं, आपको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगी, ऐसी पावन कृपामयी हमारी यमुना मैया है। आइए अब कीर्तन की ओर चलते हैं और उसके बाद मैं डुबकी लगाऊंगा, स्नान करूंगा, ठीक है। Thank you.
ये है केशी घाट। यहाँ पर अभी शाम को 6 बजे यमुना मैया की आरती होगी। आरती घाट आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। जय जय श्री यमुना मैया की जय। इसी स्थान पर यहाँ पर ठाकुर जी ने केशी नाम के राक्षस को उसका वध किया था, कंस के द्वारा भेजा गया था, इसलिए इसको कहते हैं केशी घाट। यहाँ पर यमुना जी की आरती होगी अभी कुछ ही देर बाद। अभी मैं उतरूंगा और स्नान करूंगा। यमुना मैया में जय हो। सूर्य की पुत्री ही तो है यमुना मैया, वो देखो वो रे सूर्य भगवान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं यमुना मैया के। अभी मैं उतर रहा हूँ यमुना मैया जी का हम दीपदान करेंगे और उसके बाद मैं स्नान करूंगा, एक मंत्र का उच्चारण करूंगा, आपकी ओर से भी वो स्नान इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? 5 मिनट और। हाँ, मंत्र का कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
माता जी का ये है सर्पदास। जय हो। अब गोविंद कृष्णदास लगाएगा डुबकी यमुना जी में। हरि बोल। ओके राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। नहीं होगा, बहुत ठंड है यमुना भैया का पानी, बहुत ठंड है आज तो, पता नहीं क्या हो गया। ले ले मार दिया। ओके पैर लग गया पक्का। एक बार देखिए ठंडा डाल के देख पर ठंडा डाल। आई जंप हरे राम 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 हरे हरे। ले अंदर लो ना, हम बीच में जाके स्नान करेंगे, बीच में बीच में। अरे यमुना मैया में हम डुबकी लगाएंगे सभी भक्तों की ओर से। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अंदर अंदर बीच में 2 मिनट रुक जाओ मेरे साथ, डुबकी लगाना यमुना मैया के अंदर। ओके आर यू रेडी? 2 मिनट और 2 मिनट। लो प्रभु लो। हरे कृष्णा
जंप जंप मना कर रहा। अरे बुला आगे जाके बोलना। पानी कम है यहाँ पर, प्रेम से स्नान करेंगे जंप लगाने की। यमुना मैया को तो वैसे भी हमने बड़े गली के स्पर्श करना है ना जी। बस बस इधर ज्यादा आ जाओ सभी मिलकर यमुना जी में स्नान करते हैं। इधर आ जाओ। यमुना भैया बहुत ठंडी हो रही है आज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम अरे इसको यहाँ जल नहीं रहे हो, बुझा रहे हो। उधर जाने का फायदा नहीं है, पानी कम आ जाएगा। कम आएगा। हरे कृष्णा घड़ी वाटर प्रूफ फ्रंट फ्रंट। आइए सभी मिलकर मेरे साथ श्री यमुना जी के बिल्कुल बीच में हो, पीछे केशी घाट है, आचमन करेंगे। सभी यमुना मैया की जय। कमेंट करें, महामंत्र बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी बोल। चलिए आप सभी की ओर से, आप सभी के परिवार की ओर से, सब भक्तन की ओर से श्री यमुना मैया में आपका दास गोविंद कृष्णदास अभी डुबकी लगाएगा। लो जी, गंगे चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी जलोस्मिन सनिधिं कुरु। जय यमुना मैया की जय। लो भैया लो, इसके बाद दीपदान करेंगे। लो भैया पकड़ना, ये देखो दीपदान तैयार हो रहे हैं, उसके बाद सब दीपदान करेंगे। लो जल्दी करो। श्री यमुना मैया की जय। हरे 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 राम राम हरे हरे जय। कोई दिक्कत नहीं, चढ़ जाओ, वो तो पानी बाद में। नो इन द कार, द कार ओके ओके गो। ये मेरे को दे दो फ्रंट कैमरा।
जय श्री यमुना मैया की जय हो। यमुना मैया से प्रार्थना है कि आप सभी को जल्दी से बुलाएं श्री वृंदावन धाम में। मैं कह रहा था यमुना मैया में एक डुबकी इज इक्वल्स टू गंगा मैया की 100 डुबकियां। भैया श्री ठाकुर जी यहाँ पर हर दिन स्नान करते थे, अपने गायों को चराने के लिए लेके आते थे। दीपदान करेंगे, थोड़ा सा भजन गाता हूँ मैं। कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल परली पार, श्री यमुना मैया की जय हो। वाओ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा स्नान यमुना मैया जी हमें हमारे पे इतनी कृपा करेंगी, ऐसा स्नान आपको भी बैठे बैठे मिल जाएंगे। ओके, दीपदान, सभी भक्त यमुना मैया को दीपदान कर रहे हैं। सभी हाथ जोड़ लें और प्रेम से जय राधे, जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावान। कालिंदी यमुना जी का नाम है, कालिंदी यमुना जय जय महावान। जय श्री यमुना मैया की जय। केशी घाट वंशी वट, वो सामने है आपके केशी घाट, केशी घाट वंशी वट द्वादश कनान, जहां सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। भजन कह रहा है केशी घाट वंशी वट द्वादश कनान, केशी घाट पे वंशी वट पे और द्वादश 12 वनों में जहां सब लीला कोइलो, यहीं पर नंद नंदन के पुत्र श्री कृष्ण क्या करते थे, अपनी लीलाएं करते थे। मेरा दीपदान कहाँ है? यस, ये लीजिए, ये मैं अपने गुरु महाराज की ओर से, मैं अपने माता पिता की ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, आप सभी की ओर से श्री यमुना मैया जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। श्री यमुना मैया हम सभी को कृष्ण भक्ति प्रदान करें, कृष्ण भक्ति में हम और उत्साहित होकर नियमों का पालन कर वैष्णव के अपराध कभी ना करें हम, ऐसी यमुना मैया के चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और ये दीपदान आप सभी की ओर से यमुना मैया में करने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा। लो जी, लो जी, श्री यमुना मैया की जय। ओ गया, बुझ भी कोई बात नहीं, यमुना मैया ने स्वीकार तो कर लिया। ओ वाओ, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। अब ये फूल अर्पण कर रहा हूँ और इस श्लोक का उच्चारण करके, शास्त्रों में कहा गया है इस श्लोक का उच्चारण करके अगर आप गंगा जी में फूल अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, या अगर आप स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, तो श्री यमुना मैया का दर्शन करते हैं, आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, यम लोक कभी आपको जाना नहीं पड़ता, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, गंगे चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती, नर्मदा कावेरी सिंधु जलोस्मिन सन्निधिं कुरु, श्री यमुना मैया की जय।
श्री यमुना मैया की जय। आपका दास गोविंद कृष्ण दास इस लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त करता है। आई एम गोना एंड इट ओवर हियर। आई होप यू हैव शेयर्ड दिस लाइव सेशन। यमुना मैया के दर्शन, स्नान के दर्शन, आचमन के दर्शन और कुछ समय में पूजा होगी श्री वृंदावन धाम से। आपका दास गोविंद कृष्ण दास कल आपको मिलेगा। बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन जी के दर्शन में आपको कल कराऊंगा। राधा कुंड और श्याम कुंड जाऊंगा। बने रहिएगा, कीप ऑन चेकिंग आउट दी पोस्ट एंड माय अपडेट्स। अभी तो बहुत सारे दर्शन अभी रह रहे हैं, अभी तो बहुत सारी मस्ती रह रही है। वृंदावन धाम में तो हर पल हर एक शब्द एक भजन है, हर एक स्टेप एक नृत्य है। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। जय जय श्री राधे। आपका दास गोविंद कृष्ण दास। यस यू आर राइट। #GKD